अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां युवा इनोवेटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उज्जैन के 13 साल के राजवीर ने ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें सैकड़ों चौराहों या भीड़ वाली जगह पर होने वाली आतंकी घटनाएं, दंगा अपराध और एक्सीडेंट की जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तुरंत कमांड सेंटर या पास के पुलिस थाने में पहुंच जाएगी। इस इनोवेशन के लिए देश के 50 बच्चों में उज्जैन के राजवीर को शामिल किया गया, उसे दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने युवा यूनिवेस्टर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें देश भर के 200 छात्रों का चयन हुआ। ट्रेनिंग के बाद चुनिंदा 50 बच्चों को अपने आइडिया पर काम करने के लिए मेंटर किया मिले। इसके बाद सभी छात्रों के मॉडल को देखते हुए बच्चों का चयन हुआ है। इन्हें 14 से 16 सितंबर के बीच दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इन बच्चों में उज्जैन के राजवीर का भी चयन हुआ है। शहर में सेंट्रल स्कूल में कक्षा 8वीं के छात्र राजवीर शहर के वृंदावन कॉलोनी में रहते हैं। उसको कंट्रोल रूम तक अलार्म पहुँचाता है। इसी से बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। इसको हम हॉस्पिटल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल से कनेक्ट होने के बाद पुलिस और हॉस्पिटल एम्बुलेंसेस दोनों साथ में चली जाएगी, तो फिर बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है।